तो कैसा रहा 2020 ईयर? अरे, इतना भी खराब नहीं था और इतना भी अच्छा नहीं था। चलिए देखते हैं 2020 के कुछ खास पल। ट्वेंटी ट्वेंटी में मैंने थिएटर प्लेस किए। अरे भाई, पहले भी किए थे, पर 2020 की बात हो रही है और वो भी लॉकडाउन के पहले। जी हाँ, ना कोविड था ना ट्रैवलिंग की जिक जिक। रिहर्सल से लेके लाइव ऑडियंस तक को देखने का जो एक्सपीरियंस था, उसका अलग ही मज़ा था। तो फिर क्या हुआ? फिर आया लॉकडाउन। लॉकडाउन, और उसमें सबसे खराब चीज़ क्या हुई पता है? जिम बंद हो गए। हम घर पे थे। अब घर में थे तो क्या लाइफ नॉर्मल थी? बिल्कुल नहीं। बोलो क्यों? अरे भाई, घर की सारी चीज़ें खरीदना कितना डिफिकल्ट गया। सब कुछ तो बंद था, तो चीज़ें मंगवाना, वो भी बल्क क्वांटिटी में, बहुत पैसे खर्च हुए। अब चीज़ें मिल भी नहीं रही थी, कुछ चीज़ें ऑनलाइन अमेज़न से भी मंगानी पड़ी। घर के सामान तक तो ठीक है, पर हाय, मेरा सनस्क्रीन लोशन भी नहीं मिल रहा था, वो भी ऑनलाइन ही मंगाना पड़ा। लड़कियों के कितने नखरे होते हैं। तो समझ में आया लॉकडाउन में चीजें कैसे मंगवानी पड़ी सारी तरीकों से। आगे क्या हुआ? अरे भाई, हम घर में बैठे थे ना, तो फिर बैठे बैठे क्या करें? बैठे बैठे क्या करें? करना है कुछ काम, आओ चलो खेले अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम। भाई अंताक्षरी तो नहीं खेल पाए। किताबें जरूर पढ़ी, ढेर सारी किताबें। अब आप सोचोगे, किताबें ये कहाँ से मिली? अमेजन जिंदाबाद, हमने सारी किताबें अमेजन से मंगाई। होशियार है। फिर किताबें पढ़ना चालू किया, किताबों की लिस्टिक। अरे अब किताबें तो काफी सारे पढ़ ली। वैसे किताबें पढ़ने का शौक मुझे बचपन से ही था, काफी सारी पढ़ लेती थी। इंजीनियरिंग के अलावा भी काफी सारी किताबें तभी भी पढ़ी हुई थी, बस लॉकडाउन में खाली बैठने का टाइम यूटिलाइज कर लिया मैंने। जो मुझे जॉब, थिएटर इन सब चीज़ों की वजह से नहीं मिल रहा था, उसको मैंने यूटिलाइज किया। अब मुझे लिखने का भी बड़ा शौक था पहले से, तो चलो वो शौक भी पूरा कर लिया। फिर से लिखना चालू कर दिया, किताबें पढ़ना चालू किया, लिखना चालू किया। फिर
मैंने आईआईटी भुवनेश्वर के अल्मा फिएस्टा कल्चरल फेस्ट में पार्टिसिपेशन लिया। उनके यहाँ हिंदी पोएम भेजने की कंपटीशन थी, तो मैंने वहाँ पे एक पोएम भेजी अपनी, इंसान और कोरोना। कोशिश की कि मैं अपनी ओर से उसे एक्सप्रेस कर पाऊँ, और वहाँ से मुझे पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिला। आप सोचोगे कविताएं लिखना शुरू किया, एक्टिंग, एक्टिंग कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लिया। एक जगह पे मैं फिनाले तक पहुंची थी, ये रहा। अरे हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गई, बोलो क्या। एक्टिंग के लिए किताबें काफ़ी सारी पढ़ी, लिखना चालू किया, अब कहीं पे तो दिखनी चाहिए ना। तो हाँ, मैंने IGTV बनाना चालू किया, वीडियोस बनाना चालू किया, इंस्टाग्राम पे डालती गई। तो ये मैंने एक ऑनलाइन तरीका अपना अपनाया ताकि मैं थोड़ा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ। अब इसके पीछे इंटेंशन इतना था कि मैं लिखना चालू कर रही हूँ तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाऊँ, जो कुछ मैं लिख रही हूँ उसे, अब उसी का वीडियो बना के भी पेश करती हूँ। तो इस बहाने छोटा मोटा ही सही, एक्टिंग ना सही पर एक कैमरा फेसिंग का एक्सपीरियंस आ गया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। इसीलिए ये सारी चीज़ें होती है, समझ में आया। आगे क्या, अरे भाई ये यूट्यूब चैनल बनाया, हाँ, वीडियोस इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए, IGTVs बनाए, फिर कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होना ही था। फिर सोचा क्यों ना यूट्यूब चैनल बनाओ, वो भी बना लिया। हाँ, थोड़ी सी दिक्कतें आई, ऑफकोर्स सब खुद से कर रही हूँ ना, वीडियो का एडिटिंग, उसमें म्यूजिक डालो, उसके फ्रेम्स बनाओ, उसका पोस्टर बनाओ, फिर इंस्टाग्राम पे उस वीडियो को डालो ताकि लोग यूट्यूब चैनल पे आके देखे, स्टोरीज पे डालो, अच्छे से उसको पोस्ट करो, मेरे FB के अकाउंट पे भी डाला ताकि मेरे स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग भी उसे देख सके। ये सारी चीज़ें कर ली मैंने, तो थोड़ा सा ये लगता है कि इतनी सारी चीज़ें, इतना एफर्ट डाल के भी उस हिसाब से तो रिस्पॉन्स नहीं आया यूट्यूब पे, बहुत कम ऑडियंस है, देख लो। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। लॉकडाउन ने हमें काफ़ी कुछ सिखा दिया कि थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, तो हाँ मैंने वही किया, जो मेरे खुद के शौक रहे हैं बचपन से उसी को तो मैंने पूरा कर लिया। रीडिंग, राइटिंग, वीडियोस बनाना, अपने आप को पेश करना, तो इसी तरीके से मैंने अपनी एक्टिंग को ज़िंदा रखा। और कुछ चीज़ें अपने बारे में नॉलेज शेयरिंग के ज़रिए मैंने शेयर की यूट्यूब के ऊपर, ताकि लोगों को थोड़ा मेरे बारे में भी पता चले, हमारी जर्नी एज एन एक्टर कैसी होती है, हम एज ए पर्सन कैसे होते हैं, वो मैंने एक्सप्रेस किया। तो बस यही सब कुछ मतलब था इस पूरे 2020 ईयर का। अब ईयर एंड में अभी काफ़ी सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई लॉकडाउन के बाद, ट्रैवलिंग चालू हो गया, हालांकि ट्रेन नॉर्मल नहीं है, पर हाँ धीरे धीरे मेरे एक्टिंग वर्कशॉप्स फिर से चालू हो गए, फिर से चीज़ें नॉर्मल हो गई, जिम चालू हो गया। यस, ऑफ कोर्स मैंने लॉकडाउन में भी अपनी सेहत का बहुत अच्छा ख्याल रखा। हाँ, मैं योगा कर रही थी,
योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इन सब चीज़ों से मैंने अपना वेट, फिजिक मेंटेन किया एंड ऑफ कोर्स प्रॉपर डाइट. डाइट इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. स्किन केयर, एवरीथिंग, ये सब इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी. तो ये सब तो आ ही गया. तो ऐसा रहा मेरा 2020 ईयर. आशा करती हूँ आपको भी नया साल बहुत ज़्यादा खुशियाँ और बहुत अच्छी ज़िंदगी दे दे. तो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो. पसंद आए तो ज़रूर शेयर करना. एक छोटी सी कोशिश होती है कि लोग देखें, पसंद करें, जाने, ताकि हमारा भी एक मॉरल बूस्ट हो ना. वीडियोस बनाना इतना आसान नहीं है. ट्राई करके देखिएगा, पता चल जाएगा कितनी मेहनत लगती है इन सब पीछे. बाय बाय.